ये हम कई बार क्या होता है डे टू डे लाइफ में इतने एंटेंगल्ड हो जाते हैं कि अपना काम 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 काम, ऊपर से प्रेशर 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 प्रेशर, डेडलाइन डेडलाइन डेडलाइन, यही सब चल रहा होता है ना कि इस टाइम तक ये हो जाना चाहिए, अब ये एग्जाम आ रहे हैं, अब ये चेकिंग हो रही है, ये हो रही है। इतना हम इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हम भूल ही जाते हैं कि हम जी क्यों रहे हैं। क्या सिर्फ काम करने के लिए? काम क्यों करते हैं? पैसे के लिए। पैसे से क्या होता है? पेट भरता है। क्या सिर्फ इसलिए जी रहे हैं? वो तो जानवर भी जी रहे हैं, जानवर भी अपना पेट तो भर ही लेते हैं ना, तो हम में और जानवरों में फर्क क्या है? क्या हम किसी तरीके से ऐसा, आई एम 100% श्योर विदाउट अ शैडो ऑफ डाउट, जो मैं आप सबकी आंखों में देख रहा हूं, कि क्या हम सबके अंदर ये डिजायर है या नहीं है कि हमारी वजह से किसी की लाइफ बेटर हो जाए? ये डिजायर है, लेकिन हम कितना कर पाते हैं ये, अगर हम सच बोले अपने आप से? तो बहुत कम। क्यों? क्योंकि हम अपना डे टू डे लाइफ में एंटेंगल्ड हो जाते हैं, उलझ जाते हैं डे टू डे पेटी इश्यूज में। कोई बंदा बैठा है, वो आपको अननेसेसरी ऊपर से बैठ करके टॉर्चर कर रहा है, कुछ उल्टा सीधा बोल रहा है, आपका मूड खराब कर रहा है, आप सही भी कर रहे हो तब भी आपकी गलतियां निकाल रहा है। कोई है अपनी प्रमोशन के लिए आपको नीचे गिरा रहा है, आप जो अच्छा कर रहे हो वो कोई देख नहीं रहा है, जरा सा आपने कुछ कर दिया तो आ करके आपकी धज्जियां उड़ा दी, है ना। ये सब चीजें हो रही है जो अभी आपको बिग इश्यूज लग रहे हैं, इन रियलिटी दीज आर जस्ट पेटी इश्यूज। आज से 20 साल बाद आपको याद भी नहीं रहेगा ये सब बातें। क्या याद रहेगा? कि मैंने किसकी लाइफ टच करी, सिर्फ माइंड के लेवल पे नहीं, दिल से। तो अगर हम अपना ध्यान ये समझ लें कि जिनको बिग इश्यू समझ रहे हैं वो एक्चुअल में बहुत ही छोटी चीज है हमारी लाइफ में, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब वो चीजें होती रहेंगी अपने लेवल पे, वहां पे बात चलती रहेगी, ये चलती रहेगी, लेकिन उसकी वजह से हम अपना मूड खराब ना करें। क्योंकि जहां आपका मूड खराब हुआ, अब आप क्या अच्छा करोगे बच्चों के? जैसे अगर आप इसको, मेरी बात की गहराई को अगर आप पकड़ पाए, आप लोगों का खुश होना बहुत जरूरी है, इतना जरूरी है जिसकी कोई हद नहीं है। क्योंकि जो इंसान खुश होता है वो कभी किसी के साथ गलत नहीं कर सकता। क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप कहो कि मेरा आज मूड बहुत ही अच्छा है, मैं तुझे मार करके तेरे छोटे छोटे टुकड़े करके फिर तुझे खाऊंगा? इट्स नॉट पॉसिबल, है ना। ये सब थॉट्स कब आते हैं माइंड में? आ जाते हैं जी, कई बार शादीशुदा लोगों के माइंड में आ जाते हैं बहुत हो गए, ये चीजें होती है। कब होती है? जब हमारा मूड खराब होता है। जब मूड अच्छा होता है तो जो कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूं। So, आप लोगों का मूड अच्छा होना, आपका खुश होना अपनी लाइफ से बहुत जरूरी है। आप दुखी किस वजह से होते हो? अगर आपको ये समझ आ जाए, जिन भी वजहों से आप हो रहे हो, वो सब छोटी मोटी चीजें। बड़ी चीज क्या है? किन वजहों से आप खुश हो सकते हो? छोटी चीजें क्या है? अपने आप को औरों से कंपेयर करोगे कि यार टीचिंग का मैं इतना अच्छा काम कर रही हूँ सोसाइटी में या कर रहा हूँ, और मेरी सैलरी क्या है, और मेरा वो दोस्त कॉर्पोरेट वर्ल्ड में है उसकी सैलरी क्या है, यही सब चीजें है ना। हाँ, देख लो क्या हो रहा है। ये सब छोटी मोटी चीजें हैं, सैलरी ज्यादा है कम है, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट क्या है? आप कितने लोगों की लाइफ टच कर पा रहे हो, और आपके पास तो इतनी तगड़ी अपॉर्चुनिटी है। मतलब अगर आप मेरी नजर से देखोगे तो इससे बेटर कोई प्रोफेशन हो नहीं सकता, अगर किसी ऐसे इंसान के लिए, अगर वो दिल से खुश रहना चाहता है तो, क्योंकि आप बच्चों के कॉन्टेक्ट में हो, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आप खच्चरों के कॉन्टेक्ट में हो, सारे फ्रस्ट्रेटेड